वैसे तो देसी घी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे मोटापा नहीं बढ़ता है, अतः आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैटी एसिड पाया जाता है जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पर समटाइम किसी किसी को ये मोटा करता है, तो उसी को डिफरेंट तरीके से आप लोगे तो आपको इसका फायदा भी मिलेगा और इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, तो वही बताने में आज आया हूँ। तो हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इंडिया में घी बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है और खाया जाता है, और खाना भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है घी खाना, पुराने जमाने से लोग खाते आ रहे हैं और ये मोटापा बढ़ाता नहीं है। पर समटाइम किसी किसी का बॉडी इतना ज्यादा ठंडा होता है, घी उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, वो मोटा करता है, तो उसी को हम बनाते टाइम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, किस तरीके से उस घी को बनाएंगे तो वो मोटा नहीं करेगा, आपको फायदा देगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, क्योंकि देसी घी में विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, जो कि आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए आपके आईज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए आपके सोचने समझने की शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन हमारा फैट से बना है एंड फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका फ्यूल है, तो उसको भी यही चाहिए। आप किसी भी डाइट पे जाते हो तो फैट बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, देसी घी को अपनी डाइट में हमेशा ऐड रखिए। तो चलिए देसी घी को किस तरीके से बनाते हैं जिससे मोटापा नहीं बढ़ता है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने देसी घी बनाने के लिए बफेलो मिल्क से निकला हुआ क्रीम मतलब कि मलाई लिया है, उसको एकदम कम गैस पे रखा है, और यहाँ पे ली है कच्ची हल्दी, इसको कद्दूकस करके मैं इसमें इन्फ्यूज करूँगा, जिस तरीके से नॉर्मल घी का रेसिपी होता है उसी तरीके से इसको बनाना है। बस हल्दी कद्दूकस करके डालने है, अगर आपको कफ है, बलगम है, खांसी है, जुकाम है, तो आप हल्दी की जगह अदरक डालेंगे तो आपको वो कफ एंड कोल्ड कम हो करके आपका वजन नहीं बढ़ाएगा। हर्ब डाल के घी बनाते हो तो आपको कभी मोटा नहीं करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी घी बनाना, मेरी बताई गई इस तरीके से बनाना, तो आपको फायदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। और बफेलो मिल्क भी यूज कर सकते हो, मैंने इसमें बफेलो मिल्क ही यूज किया है, काउ मिल्क अच्छा होता है, काउ मिल्क मोटापा नहीं करता है, पर अगर बफेलो मिल्क के साथ ये टर्मरिक का आइडिया फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं बफेलो मिल्क का ही घी खाता हूँ, उसी के मलाई का घी खाता हूँ, मैं कभी मोटा होता नहीं हूँ, था मोटा पर तब मैं अनहेल्दी फूड ज्यादा खाता था एंड मेरा डाइट बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त था, इसलिए मेरा 24 केजी वजन बहुत ज्यादा बढ़ा था, मतलब कि तब तो मैं छोटा था पर अब मैंने 24 केजी रिड्यूस किया है। आई होप मेरी ये बताई गई छोटी छोटी चीजें आप लोग को बहुत पसंद आती होगी, आप इस चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करोगे ना तो बहुत खुशी से आपका वेट लॉस होगा, सारा कुछ खाते हुए भी वेट लॉस होगा। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, बाय बाय।